तो भाई बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि मिंत्रा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लिए मॉडल कैसे बन सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो रेगुलरली मेरे से इंस्टाग्राम पे लोग डीएम करके पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा एक डिटेल वीडियो इस पे जरूर आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो शायद आपको नहीं पता होंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रवीण बट आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और ई कॉमर्स मॉडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसपे ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, बट ये बार बार लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं। सो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ई कॉमर्स मॉडल जो है ये है क्या और ई कॉमर्स मॉडलिंग होती क्या है। देखो गाइस, पहले टाइम पे क्या होता था, आप किसी भी स्टोर पे, दुकान, शोरूम पे जाते थे, आपको वहां पे लोग अपने कैटलॉग दिखाते थे। तो कैटलॉग में क्या होता था, जो जो उनकी कलेक्शन है उस पे मॉडल्स ने वो कपड़े डाले होते थे और आप वो कैटलॉग देख के अपने कपड़े पसंद करते थे। लेकिन जब से डिजिटल एज शुरू हो गया, आप नोट करेंगे कि सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ गए हैं। सो अब ये मॉडल जो कैटलॉग के लिए शूट करते थे, सारे ब्रांड्स अपने अपने कपड़े की जो कलेक्शन है वो मॉडल से शूट करा के अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, अपने ऐप पे डालते हैं, और उस चीज को वही जो कैटलॉग वाले मॉडल थे उनको हम अब ई कॉमर्स मॉडल बोलते हैं। ये सवाल बार बार आता है कि भाई इसमें हमें काम मिलेगा कैसे, हमें सिलेक्शन कैसे होगा मिंत्रा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे। सबसे पहले ये बात समझ लो कि ये बड़े बड़े जितने भी ब्रांड है कभी आपको डायरेक्ट हायर नहीं करेंगे, ये हमेशा किसी थर्ड पार्टी, किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही मॉडल हायर करते हैं। डायरेक्टली कभी आपको इन वेबसाइट से काम नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स मॉडल बनना कैसे है, टिप नंबर वन है आपने अपनी जो मॉडलिंग स्किल है उसको डेवलप करना है। अगर आपका पैशन है मॉडल बनना, आपका मन में आ रहा है कि यार मुझे करियर में आगे मॉडलिंग को आगे लेके जाना ही है अपने, तो पैशन को फॉलो करो, अपना मॉडलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, घर पे प्रैक्टिस करो, कोई आसपास अच्छा मॉडलिंग एकेडमी है, मॉडलिंग ग्रूमिंग एकेडमी है, उसको ज्वाइन करो ताकि आप उस चीज़ को लेके पॉलिश हो और अपने स्किल्स में आगे की तरफ और ग्रो करें। दूसरा है एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर से आपने अपना पोर्टफोलियो कराना, अपनी लुक बुक बनानी है ताकि कहीं भी जब आप एजेंसीज को, कोऑर्डिनेटर्स को अप्लाई करें मॉडलिंग जॉब्स के लिए, सबसे पहले जैसे ना जॉब्स के लिए आपको डिग्री या ट्रैवल के लिए पासपोर्ट लगता है, यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आपको सबसे पहले एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। तो वो अपनी सिटी में आप अच्छे फैशन फोटोग्राफर से जरूर बनाएं। और उन लोगों के लिए जो मेरे को डीएम करते रहते हैं कि मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो कैसे शूट करना है, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो शूट मेरे साथ बुक करा सकते हैं। नंबर तीन है आपने कोलैबोरेट करना अच्छी एजेंसीज के साथ। देखो गाइस, फ्रॉड के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जेन्युइन एजेंसीज आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेंगी काम दिलाने को लेके। और आज की डेट में एक नया बिजनेस ये शुरू हो गया, लोग पहले बोलते थे नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो चार्जेस, नथिंग, ये वो, जब आप उनके ऑफिस जाते हो वहां जाके पता चलता है वो आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। सो जेन्युइन एजेंसीज को टच में आओ, जेन्युइन एजेंसीज को आप अपना पोर्टफोलियो भेजें, और जो भी बंदा पहले पैसे मांग रहा है या बोले रजिस्ट्रेशन या चार्जेस दे दो, तो उनसे आप बच के रहें। नंबर फोर है दोस्तों, बी माइंडफुल ऑफ द फिजिकल रिक्वायरमेंट। देखो एक मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किस टाइप की उसकी लुक, उसका बॉडी टाइप, क्या लीन, क्या पॉस्चर्स, क्या बाल, किस टाइप से, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर R&D करो, उसके ऊपर होमवर्क करो और अकॉर्डिंगली अपने आप को वैसे आप ग्रूम करें। टिप नंबर फाइव है भाई, फैशन ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड के लिए आपको मॉडलिंग करनी है तो आपको भी एज अ मॉडल एकदम लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो फैशन जो चल रहा है उसको फॉलो करें, वैसे ही अच्छे अच्छे आप क्लोदिंग पे ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, और कल को कहीं ऑडिशन या मीटिंग पे जाते हैं तो वैसे ही अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पे चलने से पहले दोस्तों, GNG मॉडलिंग का YouTube पेज हमने एक्टिव कर दिया है। ये लिंक है, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स मॉडल फोटोशूट्स, फैशन ट्रेंड्स और पोर्टफोलियो के जो BTS है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे और बहुत सारे मेरे वीडियोस भी वहाँ आपको मिलेंगे, तो आज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिप नंबर सिक्स है दोस्तों, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप फैशन फोटोग्राफर्स हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, एजेंसी के जितने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ नेटवर्क बना के रखो। मैं ही नहीं बोलता रोज फोन करो या व्हाट्सएप करके उनको स्पैम करो, बट रेगुलरली टच पे रहो उनके साथ, 15-20 दिन में हाय हेलो करो। हर बार काम के लिए बात करने की जरूरत नहीं, हाय सर एनी वर्क फॉर मी, कुछ काम दे दो, ये नहीं करना, हाय हेलो करो, नेटवर्क बनाओ, दैट्स इट। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट का ट्रेंड है वो है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए शेयर करता हूँ, कैसे आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने पेज की रीच को बढ़ा सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप जरूर फॉलो करें। और रेगुलरली इंस्टाग्राम पे आप अपने पोस्ट करें, रेगुलरली रील्स डालें, ताकि आपका भी जो ग्रोथ है सोशल मीडिया पे उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वेल, ये था आज का वीडियो। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स मॉडलिंग को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।